तुलू इस्लाम से कबल भी तारीखी इंसानियत के बेशुमार वाकयात मुहर्रम हराम में रुनुमा हुए। ये वाकयात महज इत्तफाकी या हादसाती न थे बल्कि किस्सा में अजल का अटल फैसला था जो होना था और होकर रहा। ज़ेल में चंद उन वाकयात का तस्करा करते हैं जो मुहर्रम हराम में ज़हूर पजीर हुए। नंबर एक, इस माह में कायनात की तख्लीक हुई। नंबर दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नंबर तीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर चार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत का ताज पहनाया गया। नंबर पाँच, सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जाते आलिया अता हुए। नंबर छः, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम वादी जूदी पर ठहरी। नंबर सात, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मनसब व मकाम खलील से सरफराज फरमाया गया। नंबर आठ, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम सदीकुल्लाह को जेल से रिहाई मिली। नंबर नौ, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाए लौटाई गई। नंबर दस, सैयदना यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली। नंबर ग्यारह, फिरौन गर्के नैल हुआ और मूसा कलीमुल्लाह को कामयाबी अता हुई। नंबर बारह, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठाया गया। नंबर तेरह, इस रोज कयामत आएगी। नंबर चौदह, इसी माह यौम आशूरा को अहले मक्का खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाते थे और इस दिन को यौम ज़ीनता कहते थे। नंबर पंद्रह, इसी माह इमामुल अनबिया खातमुल मासूमीन सैयदना मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत से चंद साल कबल अब्रहा बैतुल्लाह पर हमला की नियत से निकला तो अल्लाह ने अबाबैलों का लश्कर भेजकर उसे तबाहो बर्बाद कर दिया।